तो नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को। आप सभी का एक बार स्वागत है। और एलटीस की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसका सभी को काफी लंबे समय से इंतजार था। ठीक है, तो कल ही यूके ट्रिपलएससी ने करीब करीब 7-8 बजे शाम के अपनी वेबसाइट पे ये विज्ञप्ति निकाली है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जब वो ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये वाला, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये विज्ञप्ति खुली हुई मिलेगी। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है। ये देखो, यहाँ पे इसमें कुल जो है 1431 पदों पे भर्ती आवेदन मांगे गए हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों को मिला के। आप जो है 19 अक्टूबर से, यानी 19/10/2020 से आवेदन कर सकते हैं, और 4 तारीख आवेदन, 4 दिसंबर जो है, 4/12/2020 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, और 6 दिसंबर तक हम वो फी जमा करने की लास्ट डेट, और एग्जाम होने की जो संभावित तिथि है वो अप्रैल 2021 में जो है एग्जाम होने की संभावना है, संभावित तिथि है। बात करते हैं कि कैसे कैसे इसमें कितने कितने पद, किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं वो देखते हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप इनका जो आयोग का जो नंबर है, टोल फ्री नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। लेकिन ये नंबर लगता नहीं है कभी। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी दिया है, तो आप अपना ईमेल आईडी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ईमेल आईडी, किसी को कोई दिक्कत हो तो ईमेल आईडी पे बात कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें कितने, कुल कितने पद हैं देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे कुल कितने पद हैं। तो पहले मैं गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में दोनों को बताता हूँ। पहले आपको गढ़वाल मंडल का बता देता हूँ, कितने पद किसमें हैं। गढ़वाल मंडल की बात कर रहा हूँ अभी मैं। गढ़वाल मंडल में सहायक यानी LT हिंदी के 102 पद हैं, इंग्लिश के 85 पद हैं, LT संस्कृत के 12 पद हैं, गणित के, मैथमेटिक्स के 76 पद हैं, इसके अलावा साइंस के 97 पद हैं, इसके अलावा सामान्य के 27 पद हैं, LT कला के 101 पद है, व्यायाम का 51 पद है, LT होम साइंस का 3 पद है, कॉमर्स के 9 पद हैं, और संगीत के 1 पद है, उर्दू का 3 पद हैं। टोटल मिला के गढ़वाल मंडल में कुल 567 भर्तियां आ रही हैं टोटल मिला के। ठीक है, इसमें से आप देख सकते हैं कुछ कुछ महिला वर्ग के लिए है। महिला शाखा का मतलब होता है कि कुछ GGIC, जो कुछ स्कूल GGIC वाले होते हैं, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, तो जी उनको बोलते हैं महिला शाखा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उन पे सिर्फ महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। जो महिलाएं हैं वो सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में फॉर्म भर सकती हैं। अब मैं आपको कुमाऊं मंडल का बता देता हूँ, कुमाऊं मंडल में कितनी भर्तियां हैं और कौन कौन से पदों पर भर्तियां दी हुई हैं इन्होंने। ये देखो कुमाऊं मंडल का यहाँ पे है। कुमाऊं मंडल में सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ, तो LT हिंदी के लिए 130 पदों की विज्ञप्ति जारी हुई है, अंग्रेजी के लिए 77 पद इन्होंने रखे हैं, गणित के लिए, मैथमेटिक्स के लिए 94 पद हैं, और साइंस के लिए 102 पदों रखे गए हैं, इसके अलावा कला के लिए 121 पद हैं, व्यायाम के लिए 44 पद हैं, और संस्कृत के लिए 13 पद हैं, संगीत के लिए 1 पद है, इसके अलावा उर्दू के लिए भी 1 पद है, कॉमर्स के लिए भी 3 पद हैं, पंजाबी के लिए 1 पद है, बंगला के लिए, बंगाली के लिए 1 पद। टोटल 588 जो है पदों पे भर्तियां कुमाऊं मंडल में निकली हैं। आप देख लेना, यहाँ पे भी महिला शाखा के लिए कुछ अलग अलग वो भर्तियां हैं, वो भी देख लेना। आप देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड वहां से कर लेना, वेबसाइट पे खुद से कर लेना। ठीक है, आप नोट देख लेना यहाँ पे, जो आपको सीखना है, मतलब देखना है, जो आपको देखना है इसके लिए। सबसे पहले वेतनमान आप देख सकते हैं कितना सैलरी मिलेगा। सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं है, सैलरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सिलेक्शन है। शैक्षिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आपका CTET या UTET होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपका BEd होना चाहिए। अब सब्जेक्ट अपना कॉम्बिनेशन देख लेना, आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते। जैसे हिंदी के लिए, अगर आपने मान लिया आपकी ग्रेजुएशन में, आपने ग्रेजुएशन में हिंदी ले रखी है, अगर आप आपके ग्रेजुएशन में 3 साल में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, हिंदी के लिए अगर आप एलिजिबल, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12th में या तो संस्कृत पढ़ी हुई होनी चाहिए, या फिर आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, तभी आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी तो होनी होनी चाहिए, साथ में संस्कृत भी होनी चाहिए, ये इसमें है। गणित वाले आपको पता है कि जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं, और BEd तो होना चाहिए, CTET सेकंड वाला भी होना चाहिए सभी के। साइंस के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास BEd, CTET सेकंड या UTET सेकंड, या फिर नहीं CBZ से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर
कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का दे रखा है, आप अपने सब्जेक्ट का मैच कर लें। कॉम्बिनेशन सभी का मैं बता नहीं सकता। अगर आपने सीटेट और यूटेट किया है, अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपके 90 नंबर कम से कम होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे जनरल वाले। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग रखे गए हैं, तो देख लेना। SC ST के लिए 60 60 है, OBC के लिए 75 है, देख लेना यहाँ पे इसके लिए कितने हैं, आप देख लें यहाँ पे। और क्या क्या दिया गया है मैं बता देता हूँ। लिखित परीक्षा के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी, 100 मार्क्स की, 2 घंटे की परीक्षा होगी, इसमें से 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें से आपको सिर्फ जो पैडागोजी से पूछा जाएगा और आपका सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा हर एक सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसके अलावा इस बार आपको अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो कम से कम 45% यानी कि 100 में से 45 नंबर लाना जरूरी है। अगर इससे कम नंबर आ गए तो आप मेरिट के लिए मेरिट नहीं बनेगी आपकी। अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो कम से कम 35-35 नंबर लाना जरूरी है 100 में से, तभी आपकी मेरिट बनेगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, पहले बता दिया मैंने कि आप देख ले सकते हैं यहाँ पे और क्या क्या दिया गया है और कुछ और एज दे रखी है यहाँ पे 1 जुलाई से आपकी एज 21 साल से लेके 42 ईयर तक होनी चाहिए एज, ठीक है। और राष्ट्रीयता इंडिया ही होगी, जाहिर सी बात है, कोई लंदन से तो आएगा नहीं यहाँ फॉर्म भरने, है ना। तो ये देख लेना यहाँ पे शारीरिक स्वस्थता, क्षैतिज आरक्षण भी है, तो जिसको जो आरक्षण मिलता होगा, जो EWS वाले हैं, जो नए नए EWS बना है उनको भी आरक्षण मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखना। ऑनलाइन आवेदन आप ऐसे कर सकते हैं, आपको अपना OTR करना पड़ेगा, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। फ़ी देख लेते हैं, जो जनरल वाले उनके लिए 300 रुपीज़ फ़ी रखी गई है, जो कैटेगरी वाले उनके लिए 150 है, EWS वालों के लिए भी 150 रखी गई है। और इसमें कुछ खास दिया नहीं है, अगर आप खुद से ध्यान से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल सही से पढ़ना, जो भी समस्या आए इनकी वेबसाइट पर इनको मेल करो, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।